दोस्तों, अगर आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं, 2-3 साल पुराना पौधा है फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा घनत्व कैसे बढ़ाए, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा इसमें घनत्व है और बहुत ज़्यादा इसमें फूल लगा हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि इसे कैसे क्या करना है, केयरिंग टिप्स क्या होता है। तो सबसे पहले 3 चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे पहला टिप्स है कि धूप हो गया, दूसरा पानी हो गया, तीसरा मिट्टी का कंपोजिशन हो गया। नमस्कार दोस्तों, नीलम मत्स्य गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं आज बात करती हूँ सबसे पहले वो टिप्स के बारे में, जो पानी, धूप, मिट्टी को कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहला, इसे 2 से 3 घंटा तक इसे धूप जरूरी है। तो आप 3 से 4 घंटा धूप दीजिएगा इसे, तो आप बहुत अच्छा इसे धूप से एनर्जी मिलती है। दूसरा होता है पानी की, इसमें हमेशा मॉइस्चर बनाए हुए रखिए, ज़्यादा गीली नहीं लेकिन मॉइस्चर बनाए हुए रखना है। तीसरा, जो आपका मिट्टी की कंपोजिशन जो होता है अच्छा करता है, मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए, इसे दोमट मिट्टी हो तो सबसे अच्छा होगा। ऐसा कर सकते हैं कि 80% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 20% आप कंपोस्ट लीजिए और 10% इसमें रेत मिलाइए, तब इसके सॉइल जो काफ़ी पोरस हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा। अगर आपका उपजाऊ मिट्टी नहीं है, चिकनी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी नहीं है, पोरस मिट्टी नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 70% आप इसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए और इसको 20% कंपोस्ट लीजिए और उसमें फिर इसमें 20% ही रेत मिला लीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं तो ये उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा। वेल ड्राइन मिट्टी जो होती है वो बहुत अच्छा होता है और इसे वैसा ही मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यह देखिए कि जी कितना यहाँ फूल दे रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें फूल है, जिसे आप सामने देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फूल है और बहुत इसमें घनत्व भी है। जो फूल मेरा है दोस्तों, ये गिनने से गिनाता है, गिनिए, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं गिन पाऊँगी अभी। तो दोस्तों, बहुत सारा इसमें फ्लावरिंग देता है। तो ऐसा होता है कि जब फूल, जैसे फूल आने के बाद इसमें फलियां बनने लगती है, तो फलियां काफ़ी आसानी से उग जाते हैं, उसमें काले काले रंग का बीज होता है। जब पौधा पुराना हो जाता है तो इसे फलियां और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो यह अपना प्रोडक्शन उसी की ओर लगा रहता है और फूल कम कर देता है। तो ऐसा हो तो आप 3-4 फलियां रख लें अगला सीजन के लिए और सभी को तोड़ दें। तो ऐसा क्यों होता है कि ग्रोथ जो होता है वो आपका रुक देती है, तो इस तरह से नहीं होने दें आप इसको। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हल्का फुल्का प्रूनिंग कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं, तो आप ऐसा करिए। और अब बात कर लेते हैं आपको कि इसमें हमें खाद क्या देनी है। तो जैसे धूप, इसे तो आपको 3 से 4 घंटा धूप हो गया, मिट्टी पोरस होनी चाहिए, पानी वेल ड्राइन होना चाहिए, पानी नमी हमेशा मॉइस्चराइज बने रहे ऐसा होना चाहिए। तो अब इसमें गुड़ाई करने के बाद खाद क्या देनी है, पहले गुड़ाई कीजिए, जिसे देखिए कि कितना ज़्यादा फूल इसमें है, बहुत ज़्यादा फूल होता है, मैं तो थक जाती हूँ फूल तोड़ते तोड़ते। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप नीलम मसल देख लीजिए, मैं इसका प्रॉपर वीडियो बहुत सा बनाई हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा फूल कैसे पाएँ, इसको मैं वीडियो बनाई हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि गुड़ाई करने के बाद 2 मुट्ठी आप ऑर्गेनिक अगर खाद देना चाहते हैं तो आप इसमें कंपोस्ट दीजिए, या गोबर की खाद हो या पत्ती की खाद हो, कोई भी खाद हो, आप इसे दे दीजिए। और इसे आप गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें। अगर आप केमिकल डालना चाहते हैं तो आप DAP या आप उन्हें NPK जो होता है 20-20, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप DAP डालना चाहते हैं तो DAP का 10-12 दाना आप इसमें गुड़ाई करने के बाद ऊपर से डाल दें, और डालने के बाद इसमें आप इसे पानी देकर छोड़ दें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई
तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, जैसे मैं लेती हूँ। मेरा हर एक वीडियो में आप देखेंगे अपराजिता का प्लांट हो या कोई भी फूल कितना आता है। तो इसे एक वाइन होता है, ये लतर की तरह आपको जाएगी। आप इसे जैसे रखना चाहते हैं, अगर आप शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं, आप इसे सीड द्वारा भी लगा सकते हैं। जो फलियां इसमें लगती है उसे आप इसमें दो चार छोड़ दें तो सूख जाता है। उसके बाद आप इसे मिट्टी, बालू और कुछ कंपोस्ट देकर इसमें ग्रो कर सकते हैं, और नहीं तो ये अपने आप बरसात के सीज़न में जो भी फलियां गिरती हैं तो आप अपने आप इसमें उग भी आती हैं। तो ऐसा होता है। तो इसे शंख पुष्पी, अपराजिता और इसके गौकर्णी बहुत इत्यादि नाम है, बहुत सारा इसका नाम है, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी। लेकिन इसका बेनिफिट क्या क्या है मैं इसे बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोग को सभी तरह के दे चुकी हूँ। तो जैसे आप इसको अपराजिता को जड़ को, पत्ती को, फूल को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो अपराजिता को इस तरह से आप 15 दिन पर आप डीएपी का दाना दे सकते हैं, या 15 दिन पर आप इसको काउडंग भी दे सकते हैं। तो दो मुट्ठी आप गमला के अनुसार ही दें कि आपका गमला कैसा हो। तो मेरा गमला यहाँ 12 इंच का है जो इस तरह से पूरा फैला हुआ है। तो 12 इंच का गमला में आपको इसमें 10-12 दाना से ज़्यादा नहीं डालनी है। आप डालकर मिट्टी में मिलाकर और छोड़ दें, फिर आप देखेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा फूल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सभी कुछ आ जाता है। और ये फूल जो होता है जो विष्णुकांता, हरिप्रिया, ये जो भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा ये प्रिय फूल होती है। तो आप विष्णु जी पर, भोलेनाथ पर, नंदेश्वर भगवान पर, सब पर चढ़ा सकते हैं, दुर्गा मैया पर चढ़ा सकते हैं, जिसे नाम ही अपराजिता है, जो कोई भी इसे पराजित नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। और मैं यहाँ कोई केमिकल वगैरह का नहीं यूज ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरा फ्लावरिंग ऐसे ही ज़्यादा होता है। अगर आप मिट्टी बढ़िया बनाएंगे तो फूल आने से कोई भी नहीं रोकता है। तो इस तरह से अगर फूलों भी आप करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें फूल आ जाएगा। और आप भोलेनाथ पर चढ़ाइए, दुर्गा मैया पर चढ़ाइए, जो भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपराजिता का केयर टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच